इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट भी दिया है कर्व पर, पॉइंट भी दिया है जिससे टेंजेंट पास करे, तो बहुत सिंपल है, 3x² माइनस का y² इक्वल टू में 8 दिया है और पॉइंट यहाँ दे दिया है 4/3,0। चलिए इसके डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से 6x माइनस 2y dy/dx इक्वल टू में 0, माइनस 2y dy/dx इक्वल टू में माइनस का 6x, माइनस में सटा देते इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो dy/dx इक्वल टू में आ जाएगा 6x/2y, इसको काट सकते हैं 3 times में, यानी कि 3x/y हो गया। अब इसका वैल्यू उस पॉइंट पे देख लेते हैं क्या होता है, dy/dx एट 4/3,0। तो देखिए 3 × 4/3 और y में 0, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4/0, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है, यही है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाता है, यहाँ लिख सकते हैं y-y1 इक्वल टू में स्लोप आपके पास जो हो उस पॉइंट पर, और फिर इंटू में x माइनस का x1, ये ना होता है जी। चलिए तो y-0 इक्वल टू में इसका वैल्यू 4/0 और इंटू में x माइनस का x1 की जगह पे क्या है 4/3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख, तो ये 0 उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ बच जाएगा 4 × x-4/3, ये भी जाके 0 हो जाएगा। चाहो तो अंदर एलसीएम ले सकते हो जाएगा 3x-4, ये जाके भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा 3x-4 इक्वल टू में 0, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा जो उस पॉइंट से पास करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इस रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।